एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें चाइनीज खाना है और चाइनीज में उन्हें चिकन मंचूरियन सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा जब चिकन मंचूरियन बना ही रही हूँ तो क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। लेकिन इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसे ऑल कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अपने कमेंट्स के साथ लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चिकन मंचूरियन की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही जूसी और टेस्टी चिकन मंचूरियन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 350 ग्राम चिकन का कीमा। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी को अच्छे से आपने निकाल लेना है। साथ में मैंने डाल दिया है एक अंडा, और अंडा डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, साथ में मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और आखिरी में बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इन सबको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हम एक डो शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चाइनीज क्विजीन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं, खासकर बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कीमा को सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा हाथ में पहले तेल लगा लेंगे, फिर इसके लेमन साइज बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स की वजह से ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाते हैं और बहुत आसानी से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लेमन साइज चिकन बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अच्छे से आपने तेल को गरम करना है, फिर इन तैयार किए हुए चिकन बॉल्स को आपने इस तेल में डालते जाना है। और चिकन बॉल्स डालने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना बाहर से तो ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और एक साइड पकने के बाद ही आप इसे पलटें और इनको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने एकदम लो पर रखना है, और बहुत ही बढ़िया से ये बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन की जगह आप कैबेज, पोटैटो या फिर पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनके बॉल्स बनाकर सेम प्रोसीजर से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारे ये चिकन बॉल्स फ्राई हो रहे हैं। इवनली आपने इसको फ्राई करना है, बीच बीच में आपने इसको पलटते रहना है ताकि हर तरफ से ये बराबर फ्राई हों। और ये हमारे चिकन बॉल्स काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं, एक प्लेट में मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप में से किस किस को चाइनीज़ खाना पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी फैमिली में तो सब चाइनीज़ के दीवाने हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट बैच तो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम सेकंड बैच को भी इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप इसे ड्राई फॉर्म में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी कम ऐड कीजिएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसको आप एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है, इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और ये हमारे चिकन बॉल्स तो एकदम रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही सब्जियाँ काट के तैयार रखी हैं। मैंने सबसे पहले ले लिया है 3 बड़े चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक, करीब 6 बड़े चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, साथ में मैंने ले लिया है 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, और 1 प्याज जिसको कि मैंने 4 हिस्सों में काटकर उसके लेयर्स को अलग कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से इसके पीस आपने तैयार कर लेने हैं। और 1 कैप्सिकम यानी कि 1 शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब्स में काटकर तैयार कर लिया है, और करीब 1/2 गाजर, इसको मैंने राउंड स्लाइसेस में काटकर तैयार किया है, और आखिर में हम ले लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये करीब 3 बड़े चम्मच हरी मिर्च है जिसको कि मैंने एकदम बारीक चॉप किया है। तो ये हमारी सारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में मैंने ले लिया है 7 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, अच्छे से इसको हम गर्म होने देंगे। और जैसे ही ये गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए ही आपने इसको फ्राई करना है, लेकिन इसको ब्राउन नहीं होने देना है आपने। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, और अदरक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए एकदम हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई कर लेंगे। लेकिन आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
तो मैंने इन्हें अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे और सब्जियों को भी हम एकदम तेज आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आपने इन्हें स्टर फ्राई करना है, इनका कच्चापन चला जाए लेकिन इनमें क्रंच बरकरार रहे, उतना ही हम इसे पकाएंगे। करीब 2 से 3 मिनट इसमें आपको लग सकते हैं, तो आपने एकदम हाई फ्लेम पर ये काम करना है। तो देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अब हम सब्जियों को साइड में करके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस और सॉसेस। तो सबसे पहले मैं डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी ग्रेवी में, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, इसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, अगर आप चाहें तो टोमेटो सॉस की जगह चीनी भी डाल सकते हैं क्योंकि शेजवान सॉस और चिली सॉस में हल्का सा खट्टापन होता है, तो ये जो टोमेटो सॉस है या फिर चीनी है ये उसके खट्टेपन को बैलेंस करेगा। इन सॉसेस को भी हम 1 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इस डिश के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए अब इसमें मैंने डाल दिया है चुटकी भर अजीनोमोटो यानी कि MSG, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और क्योंकि आज इस मंचूरियन को हम ग्रेवी के साथ तैयार करने वाले हैं तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 कप पानी। आप चाहे तो इसकी जगह चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था तो मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से इसको हम सॉसेस के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें मैंने करीब 4 बड़े चम्मच पानी को मिला दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और अब हम धीरे धीरे इस कॉर्नफ्लावर स्लरी को इस ग्रेवी में डालते जाएंगे और साथ साथ हम इसे स्टर भी करते जाएंगे ताकि कोई लंप ना बने। और अब हम इस ग्रेवी को बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। और ये देखिए धीरे धीरे हमारी जो ग्रेवी है, हमारा जो सॉस है, वो अच्छे से थिक हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम इसमें तैयार किए हुए चिकन बॉल्स डाल देंगे। अगर आप इस डिश को ड्राई फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप पानी केवल 1 कप लें और कॉर्नफ्लावर भी आपने 1 छोटा चम्मच लेना है, उसकी स्लरी तैयार करनी है और फिर उसको पानी में आपने ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चिकन बॉल्स को ग्रेवी में डाल दिया है। अब हम इसे इस ग्रेवी के साथ मीडियम हीट पर करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि जो सारे सॉसेज हैं वो चिकन बॉल्स हल्के से एब्जॉर्ब कर लें, तो ये काफ़ी सॉफ्ट और जूसी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसे मीडियम हीट पर बीच बीच में चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और करीब 3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज। अच्छे से इसको भी हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे, इसको आपने आखिरी में ही डालना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं और इसको मिलाने के बाद अब हम इसे करीब 1 से 2 मिनट तक और पकने देंगे और ये हमारी चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये गाढ़ी लगे ज़्यादा तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है, कितनी शानदार लग रही है, बहुत ही प्यारा इसमें ग्लेज आया है और जो चिकन बॉल्स हैं वो भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तो ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए है ना इसे बनाना कितना आसान है, एकदम फटाफट और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसे हक्का नूडल्स या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट करते हैं। आखिरी में मैं इसे बारीक कटे हुए हरे प्याज से गार्निश कर लूंगी और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे ऐसे ही गर्मा गर्म हक्का नूडल्स या फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अगर आप अच्छे से इस रेसिपी को फॉलो करके इसको बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट चिकन मंचूरियन आप घर में बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसको दिखाती हूँ, कितने बढ़िया सॉफ्ट हमारे ये चिकन बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बॉल्स बने हैं। मैं तो चिकन नहीं खाती हूँ लेकिन मैंने अपनी बेटी को बोला है इसे टेस्ट करके बताने के लिए कि ये कैसे बने हैं, और इसको देखकर ही पता चल रहा है दोस्तों कि ये काफ़ी जूसी और काफ़ी फ्लेवरफुल बने हैं और मेरी बेटी ने भी एक थम्स अप दे दिया है। तो चलिए मैं इसे फटाफट नूडल्स के साथ सर्व कर लेती हूँ। तो एक बहुत ही इजी, क्विक और अमेजिंग रेसिपी है, एक बार आप इस रेसिपी को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, इतने बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए चिकन बॉल्स कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं और रक्कन नूडल्स के साथ ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं, आप इन्हें फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।